वेलकम स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब्स अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो कैन यू गेट अवर नेक्स्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा 25वें का अथवा भी आया हुआ था। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, तो मैं लेट कर लूंगा, एक ट्रायंगल एबीसी है, ये आपका ए लिखा है मैंने, फिर ये बी है और ये सी है, और इसमें बी 90 है, यानी ये जो बी है ये 90 है। सिद्ध करना है टू प्रूव दैट कि जो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी जो एसी है, तो जो एसी का स्क्वायर है इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे रचना करूंगा, एक रचना क्या करी मैंने कि बी डी लंब एसी खींचा। देख रहे हो आप कि मैंने यहां से एक लंब खींचा है इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख जाएंगे, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। तो एक आप छोटा वाला ट्रायंगल ले लें, तो छोटा वाला ट्रायंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए कुछ, एक बड़ा वाला ले लें आप। ठीक है, तो दोनों को एक जैसा बना लें। तो छोटे वाले में देखो ए डी बी, तो आप यहाँ लिखोगे ए डी बी। अब देखो ये जो ए है एंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल में तो आता ही है, बड़े वाले में भी आता है। ठीक है, तो एंगल ए, तो यहाँ पर भी एंगल ए। एंगल डी इसमें देखो 90 है, लेकिन बड़े वाले में कौन 90 है, बड़े वाले में बी 90 है, तो आप बी 90 यहाँ लिख देंगे। तो आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, बच गया सी, तो ये आपका सी हो गया। यानी इसके अंदर जो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल था उसको हमने ना अलग अलग सेपरेट बना लिया। अब हम ना दो ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, एक का नाम लिख दूंगा ए डी बी, तो ए डी बी, और त्रिभुज ले लूंगा ए बी सी में। ठीक है, अब इसके अंदर ना मुझे क्या क्या चीजें बराबर दिख रही हैं। पहला तो एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। ठीक है, ये हमारा दोनों में कॉमन है। और एंगल डी 90 है इसमें छोटे में, और इसमें बड़े वाले में बी 90 है, तो यहाँ पे आप ले दोगे प्रत्येक 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि ट्रायंगल ए बी डी ए डी बी बराबर समरूप सिमिलर प्रूफ कर दिया किसके, ये थोड़ा उल्टा एस जैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया। ठीक है, तो आपका एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, आपको ये पूरा लिखना है पेपर में, इंग्लिश में एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, मतलब समरूप हो गया। तो अब मुझे ना ये वाली जो भुजा है ए बी, ये वाली ढूंढनी है। एक तो देखो ए बी ये मिल गई, तो इसको इसके बटे में लिखा जाएगा, और एक ए बी इसमें आ रहा है, तो एक बार इसको इसके बटे में लिखा जाएगा। तो हम ना सीपी सीटी से ऐसे लिखेंगे, ए बी यानी ये वाला ए बी, और बटे में ए सी, बटे में ए सी, बराबर ऐसे ये लिखेंगे हम ए डी, ए डी बटे में ए बी। ठीक है, और लिख देंगे बाय बाय सीपी सीटी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब एक ट्रायंगल और लेना है हमें, तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये किनारे वाला ए बी डी सी। तो अब जो बी डी सी है उसको भी मैं यहाँ बगल में ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये रफ कार्य है आपको समझाने के लिए, बस बी डी सी तो मैंने ऐसे बनाया। अब बड़ा वाला भी ना इसी के अलोंग बना लो आप, तो इसको बड़े वाले में तो बी 90 है ना, देखो इसमें सी कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में, और इस बड़े वाले में सी कॉमन है, तो सी को आप यहाँ बना लो, बच गया ए, यहाँ बनाना आ गया आपको। देखो इसमें डी 90 है तो उसमें बी 90 है, तो डी बी, इसमें सी सी कॉमन है दोनों में छोटों में, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे बच गया आपका बड़े वाले के लिए ए, तो यहाँ ए लिख देना। अब इसके अंदर भी आपको क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, लिख दो इन ट्रायंगल, एक का नाम लिख दो यहाँ से बी डी सी, बी डी सी, और एक ट्रायंगल ले लो आप ए बी सी में। तो दिख रहा है आपको एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी लिख दो आप उभय निष्ठ, आपने लिख दिया उभय निष्ठ, तो दोबारा लिख देता हूँ, एंगल सी बराबर एंगल सी उभय निष्ठ। उसके बाद आप लिख दो एंगल डी 90, उसमें बी 90 यानी प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद आप लिख दो कि ट्रायंगल बी डी सी जो है वो समरूप हो गया ए बी सी के, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि अनुपात में, लेकिन किसको, बीसी को ढूंढो, कहाँ है ये रहा एक बीसी, इस ये रहा एक बीसी, तो पहले ये ए बीसी बटा ए सी,
तो आप बीसी बटा एसी लिख सकते हैं, ऐसे ही आप डीसी तो डीसी बटा बीसी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप बाय सीपी एसटी, ठीक है, सीपी एसटी, यहाँ पे भी आप एसटी कर लें। तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। गुना कर लो आप बीसी का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको जाएगा एसी गुना डीसी, ये इक्वेशन दो हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो समीकरण एक व दो जोड़ने पर, तो जोड़ो ए बी वाले को बीसी से जोड़ो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ो एसी डॉट एसी एडी और प्लस एसी डॉट डीसी। देखो दोनों में से ना एसी एसी कॉमन ले लो, एसी कॉमन लोगे तो आपका ब्रैकेट बचेगा एडी प्लस डीसी। अब देखो डायग्राम में अगर मैं एडी को डीसी से जोड़ूं तो ये दोनों जुड़कर एक सीधी लाइन एडी एसी बन जाएगा, तो ऐसे आप यहाँ पे अब क्या लिख दोगे एसी गुना एसी, तो ये जुड़वा हो गए यानी सेम हो गए, तो यानी एसी का स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हाइपोटेनियस यानी एसी का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे सो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो यही प्रूफ करना था कि त्रिभुज की जो कर्ण का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज 24वां क्वेश्चन, ठीक है। एक समांतर श्रेणी के चार क्रमागत पदों की संख्याओं का योग 32 है, पहली और आखिरी संख्या के गुणनफल का बीच की दो संख्याओं से गुणनफल के अनुपात 7:15 है, सॉरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:5:15 फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के चार क्रमागत पद, तो लिखेंगे माना एपी के चार क्रमागत है ना, क्रमागत पद क्रमशः a-3d a फिर a-d फिर a+d और a+3d है, ठीक है। देखो तो जब हमारे पेपर में ना क्रमागत चार पद आएंगे तो आपको ऐसे लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि बीच के पदों को गुणा करना और इधर के गुणा करना आसान होता है, इन्हें जोड़ना आसान होता है, इसलिए ना ये स्पेशल टाइप के होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। चार आए तो ये लेना है, अगर तीन आया पेपर में तो हम क्या करेंगे a-d a और a+d तो ये वाला लेके हम करेंगे, ठीक है। अगर पेपर में क्या आया तीन क्रमागत, ठीक है, अभी के लिए चार है तो हम इस पे ध्यान देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो प्रथम लिखा था एक समांतर श्रेणी के चार क्रमागत पदों की संख्याओं का योग 32 है, यानी इन सबका जोड़ हमें कहा था 32 है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो सबको मैंने ऐड करा, तो देखो ये 3d से 3d कट गया, इस 3 से d कट गया, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये स्पेशल है, और ये चार ए बच जाएंगे और चार से कट जाएगा, 4×8=32, तो आपका एक आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, आगे की इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। पहली और आखिरी संख्या के गुणनफल, यानी जो पहला और आखिरी वाला, तो पहला वाला और आखिरी वाला का गुणनफल करना है, और बीच की दो संख्याओं का गुणनफल से अनुपात, और अनुपात यानी बटे में, तो बीच वाली संख्या कौन सी थी a-d और a+d, तो बीच वाली संख्याओं से अनुपात का कितना दिया था 7:15, तो 7/15 तो हमें दिया था ना कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट किया तो टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म, और मिडल वाले को प्रोडक्ट किया, इनका रेशियो कितना है 7:15, फाइंड द नंबर। ये चारों संख्याएं पता करनी है, ठीक है, फाइंड द नंबर। तो ये देखो हम करने जा रहे हैं चारों संख्याएं, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला a²-b², ये फॉर्मूला होता है किसका, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी फॉर्मूला आएंगे तो a²-3d² ऐसी ये a²-d² इक्वल टू 7/15। अब देखो a का स्क्वायर, a की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, तो यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3 या 9 d का स्क्वायर
ये भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपका सॉरी डी का स्क्वायर 7/15। तो 8 का स्क्वायर 8/64 घटा 9 डी का स्क्वायर 8/64 घटा डी का स्क्वायर बराबर 7/15। तिरछा गुना कर दूं तो ये आपका जो 15 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे, तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 64 घटा 9 डी का स्क्वायर और ये 7 गुना हो जाएगा 64 घटा डी का स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका 15 गुना 64 और घटा 15 निम्न 135 डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 गुना 64 और घटा 7 डी का स्क्वायर। 15 को 64 से अभी मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। घटा ये जो घटा 135 था, सॉरी ये जो प्लस का है ना 7 गुना 64 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से ना 64 कॉमन ले लेंगे, 64 कॉमन लेने से 15 घटा 7, 15 में से 7 गया तो आपका 8 बचेगा, 64 गुना 8। ऐसे ये वाला आपका 135 में से 7 घट जाएगा तो 128 डी का स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो इसे काट देते हैं, 64 के पहाड़े से दो बार में कट जाएगा ये, फिर दो से ये कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ काटता हूँ तो हमारा जो अभी अभी आया 64 गुना 8 आया और ये 128 गुना डी स्क्वायर आया, 64 दूनी 28 तो 8 बराबर 2 डी का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 2 चौका 8 डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा 4 पे, डी का मान जाएगा प्लस माइनस 2। तो अब आपको जो डी की वैल्यू एक बार 2 लेनी है प्लस की और एक बार आपको डी की वैल्यू माइनस 2 लेनी है, तो एक डी की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 8, एक की वैल्यू 8। अब आपको क्या निकालना था, वो चारों संख्याएं यानी a माइनस 3d, फिर आपको निकालना था a माइनस d, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 3d, ऐसे दूसरे वाले में भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो a की जगह 8 घटा 3 गुना 2, फिर 8 घटा 3 गुना मतलब सिर्फ 2, फिर आपको आ जाएगा 8 जमा 2, फिर 8 जमा 3 गुना 2, तो 8 घटा 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा, तो 8 घटा 2 6 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा और ऐसे आपका 3 दूनी 6 8 से 14 आ जाएगा। तो आपका एपी क्या बन गया, 2 6 10 14 मतलब 2 6 10 14 ऐसे ही आपको ये वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको डी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस का 8 लेना पड़ेगा। तो इसको भी आप करोगे a माइनस 3d, फिर एक बार आप करोगे a माइनस d, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 3d, ऐसे एक ये लो 8 आप कर लोगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन डी का 23वां क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करो। इंग्लिश में लिखा है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है, ये हमारा कोई नाव है, ठीक है। तो ये जो नाव है ये कहीं धारा में चल रही है, धारा मतलब आपका करंट होता है, ठीक है। करंट मतलब धारा, पानी की धारा। इसके अंदर क्या होता है कि इसे नाव चल रही है, ठीक है। ये मान लो 24 किलोमीटर दूरी है, तो नाव ना 24 किलोमीटर जा रही है, तो देखो एक तो नाव की दिशा होगी जाने की और एक ना पानी बहने की दिशा होगी। तो मान लेते हैं नाव भी इधर ही चल रहा है और पानी भी इधर ही बह रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुकूल चाल, ठीक है। इसको कहा जाता है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अनुकूल चाल, तो देखो नाव की चाल तो प्रश्न में दी हुई थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, हम मानेंगे यानी लेट कर लेंगे कि स्पीड ऑफ करंट, हम ना धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ठीक है। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, एक तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, तो अनुकूल चाल हो गया इतना। ऐसी प्रतिकूल चाल, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल क्या होता है कि जैसे पानी तो उधर बह रहा है लेकिन आपकी जो बोट है वो इस दिशा में आ रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या, प्रतिकूल चाल। तो जो प्रतिकूल चाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाव की स्पीड ज्यादा होगी, ये 18 है तो ये ज्यादा होगी और धारा की चाल कम है x,
तो इसी वजह से 18 माइनस एक्स। तो प्रश्न में कहा था कि जो जब ये प्रतिकूल दिशा में आ रही है यानी इस दिशा में, तो ये एक घंटा क्या लेती है, ज्यादा लेती है, ठीक है, तो एक घंटा अधिक लेती है इधर आने में, मोर टाइम, तो इधर जाने की तुलना में, इधर जाने में तो कम ही समय लगेगा क्योंकि नाव भी इधर जा रही है, पानी भी उधर बह रहा है, तो इसलिए कम समय लगेगा। लेकिन जहां से वापस आ रहा है तो नाव इधर जा रहा है लेकिन धारा उसे पीछे ढकेल रही है, धारा उस उल्टी दिशा में जा रही है, इसीलिए नाव की स्पीड कम हो जाएगी, पानी उसे पीछे ढकेल देगा। तो कितना, एक घंटा कम लेता है उसी 24 किलोमीटर को तय करने में। 24 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता होगा तो आने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक प्रश्नानुसार लिखकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि हमने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो समय होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बटे चाल, यानी हमने टाइम के बारे में पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, आप सबने पढ़ा है। तो यानी अब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि ये एक घंटा ज्यादा लेता है, तो ये ज्यादा लेता है एक घंटा, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो दूरी हो गया 24 किलोमीटर, इसकी स्पीड हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स, और घटा दोगे इसकी स्पीड मतलब इसका समय 24 बटे में 18 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक घंटे का समय आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो ये भी टाइम हुआ, ये एक घंटा ज्यादा लेता होगा पहले वाले की तुलना में, यानी इस वाले की तुलना में। इस वाले की स्पीड क्या है, एक्स प्लस 18, या फिर आप 18 प्लस एक्स भी कह सकते हो, और जो वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पीड 18 माइनस एक्स, तो यानी ये ज्यादा समय लेता है वापस आने में, तो इसीलिए इसको आगे लिखेंगे, और ये जाने में कम समय लेता होगा इसको पीछे, और कितना कम, तो एक घंटा कम, तो यानी घटा के एक। अब दोनों में से हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये वाला आपका प्लस है तो 18 प्लस आपका ये एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर मल्टीप्लाई जाएगा 24 से, तो 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स, और ये इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा, तो 24 ब्रैकेट 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे ना, 18 को 24 को 18 से गुना करेंगे, तो 24 गुना 18 जमा 24 एक्स, ऐसे हो जाएगा 24 गुना 18 और माइनस माइनस प्लस 24 एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/1, ठीक है, एलसीएम 1/1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाले से ये वाला मल्टीप्लाई पे कट भी जाएगा, तो यानी 24 जोड़ के कितना जाएगा 48 एक्स, डिवाइड हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, मैं यहाँ रफ में गुना कर लेता हूँ, 18 को 18 से 4 हासिल 6 8 6 14 गुना 8 और 1, तो हमने जोड़ा इसको 324 आ रहा है, तो 324 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मैंने 324 लिखा है, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स इधर आके माइनस का 324 एक्स। अब 324 का ना एलसीएम लेके टुकड़े करना है, दो से करते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 से करते हैं 2 8 1 आ जाएगा, 3 से करते हैं 27 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं 9 आ जाएगा, फिर हम 3 से करते हैं 3 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं 1 आ जाएगा, तो 2 2 और 3 3, 4 बार आ रहे हैं, हमें 48 लाना है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसको बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, तो 2 3 6 नहीं 2 3 6 और 2 3 6 6 3 18 3 54, ठीक है, 6 गुना 54 गुना करने पे तो यही आएगा, अगर मैं 54 में से 6 घटा दूं तो मेरा 48 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें 48 ही लाना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस का 6x और माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ x कॉमन लोगे तो x प्लस का 54 बच रहा है, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस का 54 बच रहा है इक्वल टू 0, तो x प्लस का आपका हो जाएगा ये 54 और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो x तो हाँ ठीक है, तो x प्लस का 54 एक बार ये 0 होगा या तो फिर या तो ये 0 होगा, तो यानी x की वैल्यू 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, तो यानी धारा की चाल क्या हो जाएगी आपकी, यानी जो स्पीड ऑफ करंट है वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपका माइनस का 54 आ जाएगा, और माइनस तो क्या होता है नॉट पॉसिबल, यानी हिंदी में लिख देंगे ये संभव
यह संभव नहीं है, ठीक है, यानी यह संभव है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। हम आंसर की ना देखो जांच भी कर सकते हैं। अगर हमारा x का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 रख दें, 6 रख दें, तो अगर हम 6 6 ले लें तो ये हो जाएगा आपका 24, तो 24 बटा, तो 24 बटा 24 एक, और यहाँ पे अगर हम 6 लेके घटा दें तो 12, तो 24 बटे 12 कट के 2, तो 2 में से 1 गया 1 घंटा, ठीक है। इससे हम जांच भी कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी मूल औसत चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा को पूरा करने में उसे 3 घंटे का समय लगता है, तो मूल औसत चाल ज्ञात कीजिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कम्प्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो मैं लिख लूंगा माना रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। देखो कुछ दूरी वो 63 किलोमीटर की इस स्पीड से तय कर रही थी, तो ऊपर हमने क्या लिखा है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल ये समय हो गया, यानी इतना समय लगा इतना दूरी तय करने में, और शेष 72 किलोमीटर की दूरी उसने सामान्य चाल से 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड बढ़ाई थी, तो x प्लस 6 यानी चाल बढ़ गई, और टोटल पूरा ये भी डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा उसे, तो 3 घंटे लगा। तो अब हम इसका मतलब बन गया है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्स प्लस 6 ये इधर चला जाएगा, तो 63 ब्रैकेट एक्स प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 72 एक्स इक्वल टू 3/1, ये गुना हो जाएगा तो 63 एक्स, ये गुना हो जाएगा 6 3 18 का 8 8 1 6 6 36 और 1 37 प्लस 72 एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3/1, ये जुड़ जाएगा आपका, तो 3 2 5 6 7 5 13 135 प्लस 378 बराबर तिरछा गुना कर दोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये जाएगा 135x प्लस 378, ये जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसा करते हैं, यहाँ से ना हम काट सकते हैं, तो काटने के लिए यहाँ से ना कुछ कॉमन ले लो, आप 3 ही कॉमन ले लो, 3 6 12 3 5 15 3 1 3 2 6 3 6 18 3 से ना ये 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस का 45 है इधर आकर माइनस का 45 हो जाएगा, और ये जो प्लस का था 126 ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब आप ना इसको ऐड कर लो, मतलब प्लस माइनस करोगे 39 आ जाएगा, ठीक है, 45 में से 6 गया 39, इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे तो आ रहा है 126। 126 का आप एलसीएम ले लो, 2 से कर रहे हो आप तो 2 आएगा ना, तो 2 6 12 2 3 6, फिर आप 3 से करोगे 3 2 1, फिर 3 से करोगे 3 7 21 और 7 से 7 1 7, तो 2 3 3 और 7, मुझे 39 चाहिए, तो क्या करा जाए, तो सात या 21 21 दूनी 42 और गुना 3, देखो 21 21 और 21 दूनी 42 गुना 3, अच्छा 42 में से 3 घटा दें तो आपको 39 पहुंच जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x और माइनस 126 इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस था ना इसलिए बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस लेंगे, प्लस माइनस करने पे 39 आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 42 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे x माइनस 42 आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार हो जाएगा आपका x माइनस 42 और ये जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 42 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपका x की माइनस 42 से उधर जाके प्लस का 42 किलोमीटर पर आवर, तो आपका रेलगाड़ी की चाल आ गया, ठीक है, तो आपकी रेलगाड़ी की चाल हो गया 42 किलोमीटर पर आवर, और ये माइनस का 3 किलोमीटर पर आवर, चाल कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो आप यहाँ लिख दोगे नॉट पॉसिबल। तो ये हमने जो भी हमारे परीक्षा में जो बड़े मार्क्स के आए थे 4 अंक वाले 23 से लेकर 30 तक की हमने
करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए कुशल मंगल रहें, खुश रहें, अच्छे से अपनी परीक्षा दें, बेस्ट ऑफ लक।